गरीब किसानों की भूमि पर सेसईपुरा में पर्यटन विभाग बनाने जा रहा है प्रोजेक्ट। जनता ने जताया कड़ा विरोध। खबर कराहल से है, जहां सैकड़ों लोगों ने प्रशासन पर आरोप लगाए कि सेसईपुरा की कटीला पंचायत के अंतर्गत रानीपुरा रोड पर पर्यटन विभाग कूनो सेंचुरी की सुंदरता बढ़ाने के लिए कोई बिल्डिंग बनाने जा रहा है। मगर हैरानी तो इस बात की है कि जिस भूमि को इस प्रोजेक्ट के लिए आवंटित किया गया है, उस भूमि पर पहले से ही कई स्थानीय किसान खेती का कार्य कई वर्षों से करते आ रहे हैं। अभी भी उनकी ज़मीन पर फसल खड़ी है और उन पर ज़मीन के कागजात भी उपलब्ध हैं। ये बात ग्रामीण श्योपुर कलेक्टर संजय कुमार को भी बता चुके हैं, फिर भी प्रशासन उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। जब शनिवार को प्रशासनिक अमला प्रोजेक्ट के संबंध में ज़मीन पर पहुंचा तो वहां पर सैकड़ों की संख्या में आदिवासी महिलाएं और पुरुष और अन्य समाज के लोग आ गए थे और विरोध प्रदर्शन करने लगे। महिलाएं तो यहां तक कहती नजर आई कि शिवराज भैया, तो हम लाडली बहनों के लिए इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, फिर प्रशासन हमें क्यों परेशान कर रहा है? अगर हमारी ज़मीन छीनी तो हम यहीं मर जाएंगे। ये खबर लगते ही भाजपा से सहरिया विकास प्राधिकरण प्रदेश अध्यक्ष कैबिनेट दर्जा प्राप्त मंत्री तुरसन जी मौके पर आ गए। किसानों की परेशानी को देखते हुए प्रशासन से इस प्रोजेक्ट को अगर हो सके तो कहीं और शिफ्ट करने की बात कही और कहा कि सभी के कागजों की निष्पक्ष जांच करवाओ। भाजपा की सरकार है, किसी भी गरीब या किसान को परेशान नहीं होने दिया जाएगा। महिलाओं और किसानों के कड़े विरोध प्रदर्शन के बाद खराहाल SDM शिकरवार जी ने जाँच पड़ताल होने तक कार्यवाही को रोक दिया। कटीला ने उप सरपंच धर्म सिंह यादव ने भी यह प्रोजेक्ट कहीं और शिफ्ट करने की बात कही। फिलहाल प्रशासनिक अमला वापस लौट गया। कलेक्टर साहब ये बोल रहे थे, कलेक्टर साहब जो कल हम गए थे मुझे बोल रहे थे कि उन लोगों ने तो ये बताया गिरदावल और डीएम साहब ने कि कोई फसल मसल नहीं है, खाली जमीन है वो तो बिल्कुल। और आप देखिए फसल है कि नहीं, वो जिसको फसल है वो नहीं ली जाए। मैं आपके आवेदन की जांच करा लूंगा। इसके अलावा अदर जमीन है तो इसको पूरी को ले लो। अगर हमारे पास में अदर जमीन है आप तो आपके अपने मामा के रिकॉर्ड में देख लीजिए, इससे होगा तो जाया देखो। भाई तो सुन लो, हमारे पास है ना आपको, लेकिन मैं आपत्ति दे रहा हूँ के भले साहब हमें को इस जमीन में देने में आपत्ति है। हमारा ये इस कारण से सामान कहाँ रहे थे सर, पहले भी पच्चीस 30 साल हो गए सर यहाँ मेहनत करते करते, मेहनत से बनाइए 488 और 492 ये दो साल का नंबर ले रहे हैं। जी आज हम यहाँ मौजूद हैं ग्राम पंचायत कटीला के, ये रानीपुरा मौजा है, यहाँ पे जो कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर्यटक विभाग या जो भी विभाग कुछ ना कुछ इनकी ज़मीनों को छिना के कुछ यहाँ बनाने जा रहे हैं, इनकी फसलें खड़ी हैं उसको तबाह करने जा रहे हैं, ऐसा ये लोग का मानना है। इनसे मिलके हम जानेंगे क्या पूरा मामला और कौन इन्हें परेशान कर रहा है। जी सर क्या नाम है? कल्याण नाम है सर मेरा, कल्याण कुशवा। क्या परेशानी है कल्याण जी? परेशानी सर ये है, हम पे यही ज़मीन है थोड़ी बहुत और इनको ये लोग छुड़वा रहे हैं। कौन छुड़वा रहे हैं इस ज़मीन? ये शासन छुड़वा रही है सर। क्या बनाने, क्या स्कीम आई यहाँ पे? क्या हम नहीं जानते क्या बनाए सर, यहाँ पे मेल बनाएंगे कि बंगला बनाएंगे क्या बनाएंगे, लेकिन पर्यटक विभाग आ रहा है कोई यहाँ पे, पर्यटन विभाग कोई कुछ बनाना जा रहा है ऐसा इनका कहना है। जी कुछ महिलाएं ये कुछ कागज लेकर अपने हाथों में खड़ी हैं, थोड़ा इन्हें जूम करके दिखाइए, ये कुछ कागज इनके हाथ में भूअधिकार के पट्टे हैं। जी हमारे साथ बहुत बुजुर्ग महिलाएं यहाँ जो मौजूद हैं, ये किताब लेकर आई हैं अपनी,
इनके ना इनके इनके खसरे की ये किताब लाई है जिनके ये पट्टे की भूमि है जी, क्या परेशानी आ रही है? जमीन शासन कुशकार रही साहब। नहीं, क्या ये जमीन क्यों कुशकार रही है? क्या आपको उन्होंने बोला बनाने के लिए पर्यटक स्थल बोल रहे हैं, पर्यटक स्थल के लिए। और मक्का खड़ी हुई है, हमारी ये फसल खड़ी हुई है, इसको जोतने की बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मक्के की फसल खड़ी है और ये, और आप ये कब से आप जमीन जोतते हैं? इसको आज मेरे को 30 साल हो गए। 30 साल हो गए सर, 30-35 साल से ये जमीन पर काबिज है। माता जी है, एक भाई है, ये महिला भी आई है, काफी बुजुर्ग महिलाएं यहाँ धूप में खड़ी हैं, परेशान हैं, किताबें दिखा रही हैं, यानी अपनी जमीन के ही दस्तावेज इनको आज दिखाने पड़ रहे हैं। न जाने ऐसी क्या पर्यटक विभाग को ये जगह पसंद आई है जिससे यहीं पे इसको बना रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? क्या परेशानी है आपको? हमारी जमीन को ले रही है सरकार। इनका आरोप है कि सरकार इनके पट्टे की जमीन को यहाँ से ले रही है इनकी, और यहाँ से बेदखल कर रही है, यही बात है? 25 साल से कर रहे हैं। 25 साल से जमीन पर काबिज है। क्यों, आपकी भी यही परेशानी है? यही परेशानी है। क्या कहना चाहती हो आप? जमीन नहीं जानी चाहिए, बनावा नहीं चाहिए, जमीन नहीं दी नहीं है, बिल्कुल जमीन है, कुआं खोद रहे हैं 4-5। हमारे गाँव में बो रही है, हमारे खेत में एक बोर है, 5 कुआं है। महिलाएं कह रही हैं कि इनकी जमीन है, पुश्तैनी जमीन है, अगर जमीन को प्रशासन लेता है कि नहीं, दमदारी लगा के छोड़ाता तो ये आत्महत्या भी कर लेंगे, ऐसा इनका कहना है। हम तो हत्या करेंगे, हमारी 20-25 साल बिल्कुल आत्महत्या करेंगे सर। हम तो हम क्या खाएंगे, गरीब आदमी है, भूल जाने नहीं, पढ़े लिखे नहीं। हमें 1,000 रुपया शिवराज सिंह हमारे लिए दे रहे हैं और हमारी जमीन छुड़ाना चाह रहे हैं। गरीब लोग हैं हम, कुछ नहीं जानते हैं, हमारे लिए खाने के लिए नाज नहीं है सर, हमारे बच्चे के लिए हम तो यहीं पे ही आत्महत्या करेंगे, पालन पोषण इससे ही कर रहे हैं, हम तो आत्महत्या करेंगे यहाँ पे। तो जमीन है हम नहीं देना चाहिए, हम जमीन है छोड़ना नहीं चाहती, हम तो मर जाएंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे ही आत्महत्या देंगे। है कोई भी आ हमारे बच्चे के लिए जहर देंगे, हम मरेंगे। नहीं चाहिए सर, हमें न वो 1,000 शिवराज भैया के कोई के नहीं चाहिए, मन को बिना हमें जमीन नहीं ले जाए, हम आदिवासी मेल आए हम। नहीं, जो शिवराज भैया हैं वो तो आपको 1,000 दे रहे हैं, तो ये जमीन वो थोड़ी ना छोड़ाने आ रहे हैं, आपकी उनसे नाराजगी क्यों? वे सर हमें मदद करे, शिवराज सिंह। अच्छा, कौन कहता है? जे लोग कहते हैं, जे नेता लोग कह रहे हैं की शिवराज सिंह वो बनवा इसमें राजमहल, कैसा राजमहल होता है हम नहीं जानते हैं। कुछ लोग यहाँ के ना भ्रमित कर रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान खुद का राजमहल बनवा रहे हैं, इसलिए आपकी जगह ले रहे हैं, यानी ये तो एक भ्रमित करने वाली स्थिति है। ऐसा कोई राजमहल शिवराज जी की दोष दे रहे हैं अभी के हम राज शिवराज सिंह बनवा रहा है, नो कहते हैं हमसे, और शिवराज सिंह के तुम आवा नहीं हमारा, और 3 दिन बाद शिवराज सिंह मामा जी यहाँ पे आ रहे हैं, ज्योतिराव आ रहे हैं। जैसे ही सही बात है, ये बात सही कह रही है कि 21 तारीख को जो 22 तारीख को पौरी में शिवराज सिंह चौहान जी का दौरा है, वहाँ पर भी क्या आप अपना विरोध रखेंगे? हैं, बिल्कुल हम जाएंगे, हम तो जाएंगे, हम मनने मानने पे हैं, बिल्कुल जाएंगे हम। हम क्या कहेंगे, हम तो आत्महत्या देंगे यहाँ पे, शिवराज सिंह मामा से कहेंगे, हम ज्योतिराव से कहेंगे, हम तो मरवे मारे पे। हमारे कोई व्यक्ति जब जमीन कर रहा है तो जमीन उसी की है, खराब क्या हो रहा है? बोले हमने कहा सर हमारी जमीन कुशका हो गई तो हम कहाँ जाएं, मर जाएं? बोले मर जाओ, हमारी तरफ से जहर खा लें तो हाँ खा लो जहर, हमें क्या दिक्कत है? अच्छा, आपसे ऐसा कहा कि मरना है तो मर जाओ, ऐसा बोला आपने? जी हाँ, आपने सुना था ये? सुने नहीं, हम कर आप तो पीछे जोत रहे हो, पीछे जोत रहे हो आप, मेरे हमारी पहले के अलावा हमारे तो और हो एक तरफ से शिवराज जी बोल रहे हैं कि हम पे जो काबिज है जहाँ जमीन कर रहे हैं भाई, ऐसे मत चिल्लाओ, सब मत चिल्लाओ, एक एक करके बोलो। ज्यादा नहीं बोल रहा, एक लाइन में क्या बोला मैंने आपको बताओ, क्या बोला मैंने आपको? आपत्ति लगाओ, आपत्ति लगाओ, अब आपत्ति लगाइए, हम जांच कराएंगे उसकी। यहाँ कराले एसडीएम उदयवीर सिंह करवार साहब आ चुके हैं, इनसे मिलके जानेंगे क्या मामला है। सर जी, सर क्या मामला है? देखिए, कूनो महोत्सव मनाने के लिए एमपी टूरिज्म बोर्ड को शासकीय भूमि का आवंटन किया जाना है। यहाँ पर शासकीय भूमि है और जिस पर फसल भी कुछ जगह नहीं खड़ी है, जहाँ फसल नहीं खड़ी है शासकीय भूमि, उसको हमें आवंटित करना है। और ऐसी स्थिति में ग्रामवासियों का यह कहना है कि हम इस भूमि को नहीं देंगे, तो हम उनसे लिखित में आपत्ति ले रहे हैं और उसके बाद उस पर विचारण किया जाएगा कि उस पर क्या करना है आगे। कुछ महिलाएं किताबें लाई हैं सर, महिलाएं 488 और 492 का नहीं लाई हैं,
उनको भ्रमित कर दिया गया है वो किसी अन्य सर्वे नंबर का है जिस पर कि हमें कोई हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। तो सर अगर वो जिस सर्वे नंबर की किताब है वहाँ पर उन पर जगह नहीं होगी तो क्या सर उन्हें सीमांकन करके मत दिया जाएगी जगह? देखिए वो एक अलग मुद्दा है, आज का मुद्दा यह है 488 और 492 का, और 488 492 में इनका कोई है भी नहीं, और यदि है तो फिर हम उसकी जाँच करेंगे। ये जो महिलाएं खड़ी हैं वो अन्य सर्वे नंबर का किताब लेके खड़ी हुई हैं। सर ने ये बात कह दी है कि वो जो किताबें हैं वो अन्य सर्वे नंबर की है, यदि उस सर्वे नंबर में उनकी किताब होगी तो उनकी जगह को प्रशासन नहीं छेड़ेगा, यही कहना है? बिल्कुल बिल्कुल जी। मौके पर कैबिनेट कार्यकर्ता मंत्री जी को यहाँ आ चुके हैं, जानेंगे क्या ये मामला सर, ये आज क्या मामला है हुआ आज का? कुछ कार्यक्रम यहाँ पर बनने वाला है, इसके लोग विरोध कर रहे हैं, तो हम लोगों ने भी समझा, SDM साहब ने भी समझाया है, वो आवेदन दे देंगे, स्टे लग जाएगी, इसके बाद में कोई भी जो कार्रवाई होगी वो कार्रवाई करेंगे। कुछ आदिवासी महिलाएं थी सर, कागज लेकर आई थी और बड़े नारे लगा रही थी कि शिवराज सिंह चौहान जी तो हमें 1,000 रुपये दे रहे हैं हम बहनों को, और प्रशासन हमारी ज़मीन को इस तरह छीन रहा है, हमारे रोटी के लाले हम पर पड़ जाएंगे। सर इस विषय पर सर आप एक मंत्री होते हो सर, अपनी क्या राय रखते हैं? नहीं छीना तो नहीं चाहिए, लेकिन वहाँ पर इनकी ज़मीन तो है ही नहीं सर, ऐसी तो सर कराल क्षेत्र में तमाम समस्याएं हैं कि उन पर किताबें हैं लेकिन वो कहीं और काबिज हैं। हाँ तो सर जो जहाँ काबिज है वो वहीं अपनी सर जमीन जोतेगा, दूसरी जगह तो सर वो जोत नहीं सकेगा अपनी जगह, ऐसी समस्या सर सारे ट्राइबल में यहाँ पे आप कराल में देखेंगे। तो सर अब मौके पर सर जो काबिज है शिवराज सिंह कहते हैं जो जहाँ 20 साल से काबिज है उसको वहीं पट्टा देंगे, वहीं उसको बसाएंगे, सर ये बात तो सर आप ही की सरकार कहती है? नहीं कहती है, जो जमीन का हकदार है उसको ही जमीन मिलना चाहिए, जो लोग 20 साल से 25 साल से जमीन को जोत रहे हैं वास्तव में उनको ही मिलना चाहिए जमीन का, तो अधिकार है उनके लिए। मंत्री जी ने कहा जनता के साथ हैं, उनके साथ कोई अन्याय नहीं होगा कि मंत्री जी ने सबको आश्वस्त किया, उसके बाद में SDM और प्रशासन का मामला भी यहाँ से जाता हुआ नजर आया। रवीश भदौरिया जी से मिलकर जानेंगे क्या मामला है सर, ये क्या मामला है सर आज यहाँ का? ये टूरिज्म के लिए जगह चिन्हित की थी लेकिन यहाँ पे कोई डिस्प्यूट है, उनके दावे आपत्ति सोमवार तक मांगे गए, उनके दावे आपत्ति देखने के बाद ही अपन बता पाएंगे कि क्या असलियत है। ये सर क्या पर्यटन विभाग कुछ बना रहा है या सर ये राजस्व मंडल का कोई कार्य है? पर्यटन विभाग कुछ बना रहा है सर, कह रहे हैं कि दावे आपत्ति के बाद ही नेक्स्ट स्टेप लिया जाएगा, तब तक के लिए सर ये कार्य रोक दिया गया? तब तक ये रोक दिया जी सर। थैंक यू सर। पंच हैं धर्म सिंह यादव जी, यहाँ मौके पर आ गए हैं जनता का यहाँ हुजूम देख कर। जी सर क्या यहाँ घटना घट रही है, क्यों ये लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं? मैं बताऊँ भाई साहब क्या है कि जी हमारा ग्राम पंचायत कटीला का क्षेत्र आता है, यहाँ से लगी हुई इसी पर पंचायत भी है, तो यहाँ पे जो जमीन पर्यटन विभाग को दी है प्रशासन ने, तो ये लोग इसको करीब 100 वर्षों से, मैं 25-40 साल की उम्र है मेरी, लेकिन मैं जब मेरी याददाश्त जो हुई करीब 25-25 वर्ष का हूँ मैं, जब से मैं देख रहा हूँ, और मेरे पहले से भी इनके पूर्वज भी इसकी करते आ रहे हैं, इनके पास सबके पास ये देखो भूगत कारण पुस्तका है। अब जब ये क्या नाम है ऑनलाइन जो कंप्यूटर सिस्टम चला है उसमें से पता नहीं कैसे हट गया है, तो प्रशासन की नज़र में तो ये सरकारी है लेकिन वास्तविक जो ज़मीन है इनकी पुश्तैनी ज़मीन है, गरीब आदिवासी हैं और इनके पास और अन्य जगह पे जमीन भी नहीं है भाई साहब, यही जमीन है। तो हमारा पंचायत के माध्यम से मैं भी श्रीमान कलेक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि इन गरीब लोगों की जमीन यहीं की यहीं यथावत की जाए, पर्यटन विभाग को और कहीं दूसरी जगह अनंत जगह दे दी जाए, तो इन गरीबों को बहुत बड़ी कमी कि जी कह रहे हैं ना कि जमीन जी किताब कहीं है और नंबर कहीं है, ऐसा ही पूरे क्षेत्र में है भाई साहब, मैं कहीं जोत रहा हूँ और अगर ऑनलाइन उसको देखा जाए तो दूसरी जगह किस किस को बजाएंगे, किसका जैसे मेरा कुआ यहाँ पे खुदा है और कुआ पे देख रहे हैं तो जमीन मेरी कहीं है कागज में और मैं कहीं काबिज हूँ, ऐसा सबका ही है, इनका ही नहीं, पूरे क्षेत्र में यही है भाई साहब। ये बात बिल्कुल सही है, पूरी कराल तहसील का आप अगर रकबा उठाया जाए तो जो नंबर कहीं है वो जोत कहीं रहा है, तो ये परेशानी प्रशासन की है ना कि जनता की, इनके नंबरों को या तो चेंज किया जाए, इनको विस्थापित किया जाए वो नंबर, और इनकी ज़मीनों को यहाँ सुरक्षित रखा जाए। अभी कुछ अधिकारी भी कह गए हैं कि इनकी ज़मीनों को तो अभी हम नहीं हटा रहे हैं, प्रशासन ने कमला वापस जा चुका है जी। मैं एक और शासन से निवेदन करना चाहूँगा कि सबकी तो नहीं बोल रहा हूँ लेकिन कुछ लोगों में ऐसे हैं कि वाकई में आत्महत्या कर लेंगे अगर ज़मीन चली गई तो, क्या उनके बच्चे भूखे मरेंगे भाई साहब? सबकी तो नहीं बोल रहा हूँ, कुछ लोग मैं पक्का बोल रहा हूँ आत्महत्या कर लेंगे अगर ज़मीन चली गई तो, तुम बताओ इनको, देखो बाहर खड़ा निकलने वाला है और कल इसको तुम दूसरे को दे दो, वाकई में मर जाएंगे कुछ लोग ऐसे हैं मुझे मालूम है भाई साहब, उनके यहाँ ज़मीन नहीं है कहीं, दो 10-20 बीघा ज़मीन उस पर डले हैं और उनका इतना जो उसकी दो दर्दनाक जो घटना होगी सहन नहीं कर पाएंगे वो लोग, मैं पक्का बोल रहा हूँ, आत्महत्या कर लेंगे कई लोग ऐसे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर कि गरीब मीडिया के माध्यम से पंचायत की ओर से, हमारे पंचायत में 3-6 गांव पड़ते हैं,
सबकी ओर से मैं निवेदन कर रहा हूँ पंचायत को श्रीमान कलेक्टर साहब से कि वो इनको कहीं दूसरी जगह जगह दे दें, हमारे गरीब लोगों को ना मरवाएं, ऐसा हमारा निवेदन है। और नहीं, हम चार पांच चैप्टर भर के आएंगे कलेक्टर साहब, कलेक्टर साहब साहब उप सरपंच साहब का कहना है कि कलेक्टर साहब से निवेदन वो कर रहे हैं कि जो पर्यटन विभाग जो भी इस यहाँ क्षेत्र की खुशहाली के लिए कुछ भी प्रोग्राम बना रहा है वो कहीं और बनाए, इन गरीबों की ज़मीनों को ना छेड़ा जाए।